हम और आप पूरे जनता के बीच में थे पूरे चुनाव भर, और इतनी तपती गर्मी में, भीषण गर्मी में लोगों ने इस लोकतंत्र को, संविधान को मजबूत बनाने के लिए मतदान किया। कहीं भी किसी जगह पर ऐसा नहीं दिखा कि भारतीय जनता पार्टी के समर्थन में लोग आए हों। उनके टेंट खाली थे, मैदान खाली थे, और इसमें से कई साथी ऐसे हैं जो एग्जिट पोल में शामिल हैं, वो और उनकी संस्थाएं भारतीय जनता पार्टी के लिए बूथ मैनेजमेंट का भी काम करती हैं, समय समय पर बूथ की जानकारी भी देती हैं। जो सवाल हमसे आप पूछ रहे हैं, वो सवाल मेरे मीडिया कर्मियों से ये भी है कि उन लोगों से भी पूछें कि जो एग्जिट पोल वाली संस्थाएं और एजेंसियां हैं, क्या वो भारतीय जनता पार्टी के लिए पिछले कई वर्षों से बूथ मैनेजमेंट का काम कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। तो जो लोग उनके समय समय पर बूथ मैनेजमेंट का काम कर रहे हैं, वही एग्जिट पोल मैनेजमेंट के लिए आए हैं, वो माहौल बना रहे हैं, विपक्ष के लोगों को डराना चाहते हैं। ये राजनीति इनकी पहले से रही है और इसी तरह करते आए हैं, लेकिन इस बार जनता भी तैयार है और इस देश का नौजवान से लेकर के हर वर्ग के लोग तैयार हैं कि उन्हें अपने मतदान किए हुए की रक्षा करनी है। ये जो आप सवाल पूछ रहे हैं, ये कोई नया सवाल नहीं है, मुझसे बेहतर आप जानते होंगे, आपके भी संपर्क हैं। चुनाव भर किस तरीके का सरकार का व्यवहार रहा है या क्या निर्देश समय समय पर नीचे भेजे गए हैं, और रामपुर एक उदाहरण रहा है, संबल एक उदाहरण रहा है। देखिए, ये जवाब इलेक्शन कमीशन को देना चाहिए, क्योंकि ये कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, और अगर किसी को इस बात का शक है कि वोट आखिरकार क्यों बढ़ रहा है, जो फॉर्म 17C है उसमें पूरी जानकारी है कि कितना वोट पड़ा है। मुझे उम्मीद है कि इलेक्शन कमीशन तमाम नियमों का पालन करेगा और एजेंट से लेकर के जो जानकारी है वो भी सही देंगे, एजेंट जो मौके पर रहेंगे उनको भी सुरक्षा का इंतजाम इलेक्शन कमीशन करेगा, क्योंकि जब भारतीय जनता पार्टी कमजोर दिखेगी, हार की तरफ जाएगी, तो शासन प्रशासन उनका है, उनकी कोशिश होगी कि एजेंटों को भी डराएं धमकाएं। फॉर्म 17C की कॉपी एजेंटों के पास है, लेकिन उसमें यह भी जानकारी होनी चाहिए आपको कि 17C एजेंट के दस्तखत नहीं होते हैं, लेकिन एजेंट के पास वो फॉर्म 17C होता है, उसे जानकारी होती है कितना वोट पड़ा है। ये हमारी पार्टी के कार्यालय में हमारे पास पूरे हैं, क्योंकि हमें पता था कि बीजेपी किसी भी साजिश षड्यंत्र में शामिल हो सकती है, इसलिए जानकारी पूरी हम लोगों ने डे वन से रखी है। अरे, एक ही बिरादरी के सब सवाल पूछोगे, इसका मतलब प्रेस धन्यवाद दे दें, बहुत धन्यवाद आपका, क्योंकि एक ही बिरादरी से पूछवा रहे सवाल, धन्यवाद। ये सब सेटिंग आपकी भी है, चलिए धन्यवाद। ये इसलिए है कि मुनाफा कुछ लोग कम मांग रहे, कल विदा हो जाएंगे कुछ लोग। अच्छा, ये बताओ, यहाँ बैठ करके मना कौन करेगा, ये बताओ। ये होने दो, अब जो होगा वो अच्छा ही होगा। सबसे पहले आपको इनवाइट किया जाएगा। ये क्यों बता दे, आपके स्वास्थ्य बेहतर हो इसके लिए अमूल ने भी अपने दूध की कीमत बढ़ा दी है, आपका स्वास्थ्य बेहतर हो इसलिए अमूल के लोगों ने भी कुछ 2 रुपए बढ़ा दिए हैं, अब पराग भी बढ़ा देगा। तो आखिरकार इसीलिए मैंने कहा कि इन्होंने अपने लोगों को मुनाफा कमाने के लिए महंगाई का बढ़ाने का काम किया है, अपने लोगों को मुनाफा कमाने दे रहे हैं। आखिर मुनाफा किसके पास जा रहा है? मुनाफा और महंगाई का हमने हमेशा उदाहरण दिया, याद होगा आपको, पार्ले जी बिस्किट पैकेट का, कि उन्होंने अपना मुनाफा कम नहीं होने दिया, चाहे उन्हें पैकेट का बिस्किट हटाना पड़ जाए,
चुनाव खत्म हो गया, हर चीज महंगी होगी। आप बताओ बिजली कहीं मिल रही थी? जिन फेजेस में चुनाव खत्म होता चला जा रहा था, बिजली कहां थी? और यह भी हो सकता है कि धीरे धीरे काउंटिंग करें और रात में बिजली गुल करें। नहीं, चुनाव के लिए बोल रहा हूं मैं कि काउंटिंग को धीमे धीमे करें और रात में बिजली गुल करें। ये मैंने पढ़ लिया, एक कॉपी नहीं बांट दो जल्दी कॉपी पढ़ नहीं, अभी लेट आए हैं। गमछे तो समाजवादी लग रहे हो। नहीं, एक ही बात है, अड़गनानंद जी को जानते होगे आप भी, एक ही बात है। स्वामी अड़गनानंद जी की अगर है गमछा तो हमारी उनकी एक ही बात है। आपका एग्जिट पोल क्या कहता है कि उत्तर प्रदेश को इंडिया गठबंधन को कितनी सीटें मिल रही है? हमारा एग्जिट पोल ये कहता है कि सबसे ज्यादा सीटें इंडिया गठबंधन उत्तर प्रदेश में जीतेगा। मैंने अपना इंटरनल भी सर्वे कराया है और वो भी बहुत बढ़ चढ़ कर बता रहा है। इसमें क्या विवाद है? एग्जिट पोल ने अपने अपना 400 सही करने के लिए कितनी गिनती बढ़ाई है? दोनों से क्योंकि पीडीए में भी आधी आबादी है। मैंने कई मौकों पर कहा, जब आप लोग फील्ड में सवाल ये पूछते थे, सवाल फेस का नहीं है, दिल और दिमाग अच्छा होना चाहिए। कौन पूछ रहा है भाई? अपना परिचय दे दो, कहां छिप करके पूछ रहे हो? ये चुनाव बाद बात करेंगे हम लोग, अभी कोई चर्चा नहीं। मेरा पुराना जो मैंने जवाब दिया वो निकाल करके देख लीजिएगा, आपको जवाब मिल जाएगा उसमें। चलिए, आपका बहुत धन्यवाद। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं।